भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि आज 17 सितंबर को अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर गिना जाता है। वह सबसे प्रसिद्ध भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची में शामिल है। पीएम मोदी केवल भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। पीएम मोदी के जन्मदिन के इस अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं पीएम के बड़े पोस्टर का दूध और जल से अभिषेक किया गया तो कहीं पूजा की गई। पीएम मोदी का आज का दिन बेहद खास था। नरेंद्र मोदी मेट्रो में सवार होकर द्वारका में बने यशो भूमि का उद्घाटन करने पहुंचे। पीएम मेट्रो में बच्चों से मिले और महिलाओं व अन्य लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने उन्हें विश किया और युवती ने पीएम मोदी को संस्कृत में गीत सुनाकर जन्मदिन की बधाई दी। हमने ये खबर आपको पहले सुनाई थी लेकिन अब छात्रा का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो संस्कृत में श्लोक सुना रही है। आप खुद ही सुनिए कि पीएम मोदी को छात्रा ने कैसे विश किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी नए रूट पर चलने वाली दिल्ली मेट्रो ट्रेन में सफर किया उन्होंने, तभी एक यात्री ने गाना गाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब आप खुद ही सुनिए कि कैसे लोगों ने उन्हें विश किया। आपको बता दें मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की। उन्हें छोटे छोटे बच्चों को दुलारा। इस दौरान महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। G20 समिट सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ केमिस्ट्री को पूरी दुनिया ने देखा और समझा। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के अलावा पीएम मोदी का संवाद या भाषण देने का तरीका भी काफी पसंद किया जाता है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का सिलसिला अभी भी जारी है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा सरकार और विपक्षी दलों के दिग्गज नेता भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।